Hello students, welcome to Civil Matter. The question is the vertical stress at point P1 due to the load of Q at ground surface is shown in figure is sigma z. According to the Boussinesq equation, the vertical stress at point P2 in shown in figure will be. So, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था sigma जेड ओके इस पॉइंट पे है सिग्मा जेड आपको पूछा है कि इस पॉइंट पे कितना होगा तो सिग्मा जेड इक्वल टू क्या है 3q 2π z² इंटू 1/1 + r/z होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 ई इक्वल्स टू सिग्मा जेड है राइट तो फिर हम लोगों को सिग्मा P/2 पे फाइंड आउट करना है तो सिग्मा P/2 पे हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा 3q इज कॉमन 2π यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना हो गया z/2 सो z/2² इंटू 1/1 + r/2 / z/2 होल स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 सो ये आर बाई टू ए टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 3q इंटू 4/2π z² ये चीज तो हो जाएगा 1/1 + r/z होल स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है 4 टाइम्स का तो इस पॉइंट पे सिग्मा P/2 क्या हो गया इसको हम लिख सकते हैं 4 σz सो सिग्मा P/2 कितना हो जाएगा 4 σz सो डी इज द राइट आंसर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम थैंक यू फॉर वॉचिंग